हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज हम बनाना सीखेंगे उपमा की रेसिपी। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में आपको 2 चम्मच के जितना देसी घी लेना है। अब इसमें जाएगा 1 कप के जितना मैंने पहले से नाप के बारीक वाली सूजी, जिसे बॉम्बे सूजी भी बोला जाता है, वो नाप के रखी है। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है एकदम धीमी आँच पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक तब तक कि इसमें से सूजी की बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसको वाइट ही रखना है हमें, ब्राउन नहीं करना। बस 4 से 5 मिनट में से हम निकाल लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एकदम खिले खिले दानेदार उपमा बनाने के लिए। तो इसी से आपके उपमा जो होंगे वो बहुत खिले खिले और काफ़ी उसमें अच्छी खुशबू होती है, क्योंकि हमने इसको एक बार टोस्ट किया है। ये मैंने सूजी निकाल ली। अब उसी कढ़ाई में मैं 3 to 4 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल डालूंगी। यहाँ पे मैं मूंगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप सोयाबीन तेल, सनफ्लावर ऑयल, या फिर अगर आपके पास नारियल का तेल है तो बहुत अच्छी बात है, खाने वाले नारियल का तेल तो आप उसमें भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 1/2 टेबल स्पून के जितना सरसों के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड्स, उतना ही 1/2 टेबल स्पून के जितना जीरे का तड़का दे दिया मैंने। अब इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून के जितना ये उड़द दाल और चना दाल, दोनों 1/2 टेबल स्पून के जितना मैंने रखा है, इसे भी हम डालेंगे और हल्का सा ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। जब ये स्लाइटली ब्राउन हो जाए उस पॉइंट पे हम इसमें काजू ऐड कर देंगे। काजू मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के जितना लेके रखा है, आप देख सकते हैं। काजू कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट अगर है तो बहुत अच्छा नटी फ्लेवर ये क्रिएट करते हैं, काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, अगर है तो ज़रूर ऐड करें। मुट्ठी भर मैंने यहाँ पर मूँगफली भी ऐड कर दी। बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें आप। अब इसमें जाएगा 2 से 3 स्प्रिंग करी पत्ते के, या फिर जितना भी जैसा भी आपको करी पत्ते का टेस्ट पसंद हो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने करीबन 4 स्प्रिंग करी पत्ते के डाले हैं। अब इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा इसको चटकने देंगे करी पत्ते को, फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें बाकी की वेजिटेबल्स। तो 1 कप सूजी के लिए मैंने 1 मध्यम आकार की प्याज को चॉप करके रखा है, 2 हरी मिर्ची चॉप करके रखा है। यहाँ पे 1/4 टीस्पून के जितना मैंने हींग ऐड कर दिया। हींग कम्प्लीटली ऑप्शनल है बट मुझे पसंद है तो मैंने ऐड कर दिया। 1 प्याज है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्ची है, मुट्ठी भर फ्रेश धनिया पत्ते और आधा नींबू का रस है। तो सबसे पहले हम इसमें अदरक ऐड करेंगे, फिर इसके बाद हरी मिर्ची 30 सेकेंड के लिए छोड़ देंगे ताकि हरी मिर्ची और अदरक थोड़ा सा पक जाए। अब इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को एकदम ब्राउन नहीं करना है आपको, हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक ही पकाएंगे। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो तो इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही क्लासिक उपमा की रेसिपी मैंने आपको बताई है, बट अगर जैसे आप वेज उपमा बनाना चाह रहे हो तो उसमें आप अपने मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। आप गाजर ऐड कर सकते हो, कैप्सिकम ऐड कर सकते हो, कॉर्न ऐड कर सकते हो, बट आज जो रेसिपी मैं बता रही हूँ ये एकदम क्लासिक ऑथेंटिक उपमा जैसे बनता है वही रेसिपी है, ये वेज उपमा नहीं है। अगर आपको वेज उपमा बनाना है तो आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं इसी पॉइंट पर। अब जैसे कि हमने 1 कप के जितना सूजी ली है तो उसका 3 गुना पानी जाएगा, तो 3 कप के जितना आपको पानी ऐड करना है। मैंने 3 कप ऐड करने के बाद 1/4 कप एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। नमक स्वादानुसार इसी पॉइंट पे ऐड कर दें, क्योंकि जैसे सूजी डालने के बाद में भी नमक अच्छे से ना मिले तो पानी के साथ ही आप डाल देंगे तो एकदम अच्छे से वो नमक सूजी के साथ मिल जाएगा। जैसे ही उबाल आना शुरू हो उस पॉइंट पे हम सूजी ऐड कर देंगे। सूजी बहुत जल्दी गाढ़ी होती है दोस्तों, तो ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे आप ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के जितना शुगर यानी कि चीनी। आप एक बार इस तरीके से बना के देखेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस पॉइंट पे मेरा किचन एकदम साउथ इंडियन फ्लेवर से महक रहा है। आप इस तरीके से जब बना के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के निकलती है ये। बस इसको थोड़ा सा आपको और ड्राई करना है, या फिर जैसी भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए हो। बहुत ही झटपट क्विक रेसिपी है, बहुत ही फ्लेवरफुल है। इसके साथ मैंने नारियल की चटनी भी बनाई है, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो उपमा हमेशा चटनी या अचार के साथ ही खाया जाता है। जब एकदम बनने वाला हो तो 1 टेबल स्पून के जितना घी और डालें, ये इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के जितना घी डाला,
जो धनिया पत्ते थे, फ्रेश धनिया पत्ते, वो ऐड कर दिए, और आधा नींबू का रस। बस आपका उपमा बिल्कुल रेडी है, इट्स रेडी टू सर्व। मिलाइए अच्छे से सारी चीज़ों को और इसे गर्मा गर्म आप परोसिए। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप देख सकते हैं। इसे आज मैंने सर्व किया है कोकोनट चटनी के साथ। इसकी भी रेसिपी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो दोस्तों, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए क्यूमिन करी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।